हेलो भाई, मैं ऋषभ सिसोदिया। तो भाई ये एक्टिवा 5G, भाई इस गाड़ी का आने वाले समय में बहुत क्रेज था भाई, बहुत क्रेज था। आप सभी को पता है भाई, फीचर के मामले में भाई ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। फीचर आपको बहुत बढ़िया मिलते हैं, लुक के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि मतलब बहुत बढ़िया। अब बेसिकली अब 6G आ गई तो भाई इस गाड़ी का कोई इतना क्रेज़ नहीं है, पर भाई फिर भी हर कोई बंदा इस गाड़ी को चूज़ करता है। तो भाई अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हो एक्टिवा 5G, होगी माइलेज के मामले में भाई ज़बरदस्त गाड़ी है। मैंने आपको जुपिटर का ओनरशिप रिव्यू बताया था, भाई बोलते हैं कि भाई एवरेज तो ना के बराबर है। तो भाई हम जानेंगे इस गाड़ी का कंप्लीट होने से रिव्यू की भाई कैसा कुछ एक्सपीरियंस है। बेसिकली फीचर के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे, और भाई गाड़ी से ओनर खुश है या नहीं। तो भाई आज हम ये सब डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो भाई वीडियो में एंड तक बना रहा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे साथ है गाड़ी के ओनर निखिल मेजबरी। तो स्वागत है भाई हमारे चैनल पर। धन्यवाद ऋषभ भाई। तो सबसे पहली बात तो निखिल भाई, मैं ये पूछना चाहूँ, एक्टिवा लेने की खास वजह थी क्या, और आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी थी उस समय अगर आप लेने गए थे तो? हमने जुपिटर वगैरह सब देखी थी, एक्टिवा 5G देखी, 4G देखी, 3VTV। तो आपने उसकी तरफ जाना नहीं सोचा, जुपिटर की तरफ? बेसिकली वो भी बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती है। नहीं, वो उसका क्या मतलब जो सीट वगैरह थी वो मुझे जमी नहीं थी। सीट में क्या दिक्कत थी उसमें? सीट उसकी क्या थोड़ी पतली थी, मतलब कंफर्ट उसमें थोड़ा कम मिलता। हाँ, कंफर्ट कम था उसका। तो बेसिकली आपने घर पे कोई मूड नहीं बनाया था कि अपने को जुपिटर लेना है, एक्टिवा लेना है, कोई फिक्स था क्या आपका? हाँ फिक्स था, बाकी मुझे जुपिटर वहाँ पर जाने का जमी नहीं, क्योंकि फीचर वगैरह उसमें कम थे, बाकी माइलेज भी उसका ऐसे ही मतलब। हाँ लोग बोलते हैं कि माइलेज मतलब बहुत ना के बराबर देती है वो। हाँ। तो मतलब फाइनली फिर आपको एक्टिवा वहाँ पे पसंद आ गई। हाँ, एक्टिवा 5G पसंद आ गई। एक्टिवा में आपको कुल मिला के फीचर ज़्यादा मिल रहा था और 5G न्यू निकली थी। आपको बेसिकली कितने साल हो गए ओन किए इसको? मुझे इसको 3 साल हो गए ओन किए हुए। 3 साल? तो 3 साल में आपको कोई दिक्कत लगी गाड़ी में? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। मतलब कुछ भी आपको गाड़ी से रिलेटेड, माइलेज या पिकअप कुछ भी मतलब आपको लगा अभी तक 3 साल में? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। पिकअप पिकअप सब बढ़िया इसका, जहाँ पर चढ़ाना वहाँ चढ़ जाती है। पिकअप में मतलब कोई कमी नहीं है गाड़ी में? नहीं, पिकअप में कोई कमी नहीं है। जुपिटर से तो बेहतर है कि नहीं है? हाँ, जुपिटर से तो बहुत बेहतर गाड़ी है। एवरेज भी बढ़िया देती है। एवरेज कितने का देती है? एवरेज ये देती है 40 का। 40 का निकाल देती है आराम से। अब मैं आपको बता दूं एक बात, आपने बोला ना 40 का, मैंने जुपिटर का ओनर से रिव्यू लिया था तो भाई बोलता है कि एक तो इसका माइलेज है नहीं, मतलब पिकअप का मैंने बात नहीं किया था, उन्होंने बोला कि भाई इसका माइलेज है नहीं, ना के बराबर देती है। तो आपको 40 का दे रही, और क्या चाहिए? एक्टिवा वो भी एक्टिवा देती है। अगर हाँ, जुपिटर क्या है वो देती नहीं है, ऊपर हर किसी रेस पे भगाते हैं तो वो माइलेज कम है। मतलब आपने गाड़ी की कंडीशन पूरी अच्छी रखी है? पूरी कंडीशन बढ़िया, बस उसकी सीट वीट वगैरह है थोड़ी, सीट फट गई, बाकी स्क्रैच वगैरह आ गई है। तो इसका कलर उड़ गया थोड़ा? वो क्या काम में रखी रहती है, मतलब आपकी रनिंग थोड़ी ज्यादा ही है ना? हाँ, रनिंग थोड़ी ज्यादा है। तो आपने गाड़ी कितने कुछ चलाई मैं बता देता हूँ, कितने कुछ चलाई है? चलाई 19,000 होने वाली है। तो 20,000 में आपको गाड़ी में कुछ ऐसा कुछ लगा कि भाई गाड़ी में मुझे अभी तक समस्या आ रही है? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है। भाई ऐसा ही है कि गाड़ी का थोड़ा घाम में खड़ी थी तो आपका कलर उड़ गया है ना? हाँ, कलर उड़ गया, बाकी गाड़ी में कोई समस्या नहीं आई आपको? समस्या यही है। हाँ, क्या समस्या यही है कि कलर उड़ गया, बाकी कंपनी ने सही करा नहीं उसको। सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह कितने जाते हैं इसके? सर्विसिंग वगैरह तो अपना मन है, जिसमें करवाना है। तो मतलब आप शोरूम पे नहीं करवाते हो? शोरूम पे करवाता हूँ मैं तो। तो कितने कुछ इसके मतलब बिल बन जाता तब भी? बिल तब भी बन जाता वो 2,500 का। 2,500 का? आप सेटिस्फाइड हो पूरा? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। और कुछ बोलना चाहोगे एक्टिवा के बारे में? 5G बेसिकली अब 6G आ गई है, तो आपने कुछ शिफ्ट होने का सोचा है बेसिकली? आप सोच 5G जमी है, 6G में क्या है कि एवरेज ज़्यादा कर दिया उसमें। कितने का? उसमें एवरेज बढ़ा दिया 45 से 50 कर दिया। फिर तो उसका पिकअप थोड़ा डाउन कर दिया हो? डाउन कर दिया। तो फिर वही है कि अपनी ये लीवो होंडा साइन आ रही है, बेसिकली एसपी साइन आ रही है। आपके पास भी है एसपी साइन, तो उसका मुकाबले मतलब पिकअप कैसा कुछ है उसका, देखा आपने? उसका पिकअप भी वैसा ऐसा ही है साइन का, मतलब जो गाड़ी आ रही है मतलब वो डिक्रीज करते जा रहा है, जैसे कि माइलेज बढ़ा दिया तो पिकअप कम कर दिया, वही बात है। हाँ। तो निखिल भाई बेसिकली इसका पिकअप तो जबरदस्त होगा जी, क्योंकि 5G है तो पिकअप तो बहुत जबरदस्त है इसका, तभी तो इसका क्रेज है। बहुत क्रेज है इसका, माइलेज बढ़िया सब कुछ। तो इसका पिकअप है रियल लाइफ में? हाँ, रियल लाइफ में। आपने टॉप स्पीड कितने निकाल रखे इसकी? मैंने इसकी टॉप स्पीड निकाली 80 तक निकाल दी, बाकी 90 तो 50 पहुंच जाती आराम से। तो आपने फिर जाने का क्यों नहीं सोचा 90 के ऊपर? वो क्या रिस्क काम हो जाता है। हाँ, रिस्क भी नहीं लेना चाहिए कभी, नहीं लेना चाहिए। तभी इसका मतलब क्रेज है कि भाई पिकअप भी बढ़िया गाड़ी का, माइलेज भी बढ़िया है,
बिल्ड क्वालिटी कैसी है गाड़ी की? हाँ क्वालिटी भी बहुत शानदार है बाइक की। बढ़िया बढ़िया बिल्कुल बिंदास। सिक्स जी अच्छी है बेहतर है? सिक्स जी से तो अच्छी है। तभी मेरे हिसाब से उसको हल्की कर देना, इस कारण उसका माइलेज बढ़िया। अब बेसिकली अब इससे ज्यादा इसका 40 है, अब उसका ज्यादा है तो वो हल्की गाड़ी है। अब बेसिकली आप भी ओन करते हो SP साइन, मैं भी लीवो ओन करता हूँ, मुझे पता वो गाड़ी हल्की कर दी तो उसका माइलेज है, मतलब बढ़िया गाड़ी ओन मिला के। हाँ बढ़िया गाड़ी है। सिक्स जी की तरफ जाने के लिए बोलोगे? सिक्स जी के लिए मतलब जाना तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मतलब उसमें बेसिकली चेंज क्या क्या? उसमें तो एक तो मतलब रेस वगैरह कम कर दी गई है उसकी। हाँ और एवरेज बढ़ा दी। फीचर बढ़ा उसमें? फीचर फीचर इसमें हाँ थोड़ा बहुत बड़ा होगा, उसकी LED वगैरह दी है उसमें, लाइट वगैरह। हाँ इसमें ऑरेंज है? नहीं इसमें भी है LED वगैरह, ये इसका बोल रहा हूँ मैं जो। अच्छा जो मीटर, अच्छा मीटर का बोल रहा हूँ, मीटर चेंज कर दिया गया? हाँ मीटर चेंज कर दिया, क्योंकि भाई लुक में थोड़ा अच्छा लगता रात का टाइम देखने में प्रीमियम। तो सजेस्ट करोगे किसी को जाने के लिए एक्टिवा की तरफ? हाँ बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। तो निखिल भाई अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप देख सकते हो कि भाई इस गाड़ी का क्रेज क्यों इतना मार्केट में, आप देख सकते हो कि भाई एक्टिवा भाई नाम से बिकती होगी कि भाई इस गाड़ी का एवरेज देख लो, माइलेज देख लो, पिकअप देख लो, आप किसी भी चीज़ देख लो भाई। बेसिकली है अगर मैं बताऊँ बिल्ड क्वालिटी, तो भाई बिल्ड गाड़ी की बिल्ड देख लो, मतलब लोहे की आवाज़ आ रही है, तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो भाई रियल लाइफ बिल्कुल है। भाई ने बोला कि 6G की वही है कि अपनी बिल्ड क्वालिटी भाई मेरे हिसाब से बता रहा हूँ भाई कम होगी, क्योंकि भाई आजकल जो BS6 की गाड़ी आ रही है उनका भाई देख रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी ना के बराबर है, तभी भाई उनका पिकअप ज़्यादा है और वही है कि आपको माइलेज ज़्यादा देगी। तो भाई देख सकते हो आपके हिसाब से भाई ने बता दिया कि आपको एक्टिवा की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो भाई बस यही था वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।